टीवी 11 के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। गुलिस्ता 5 साल पहले बेदर्दी बेरहमी से अपने ही खुद की बीवी का कत्ल करने वाले उस जालिम शख्स को कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दिया है। तफसीलात के मुताबिक भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में 2019 में गुलिस्ता 6 साल पहले अपने ही बीवी का शोहर ने किया था कत्ल। उस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शोहर को फांसी की सज़ा दे दी है। 2019 से लगातार भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में ये कत्ल की वारदात पेश आई थी। शोहर ने ही अपने बीवी का बड़ी बेदर्दी बेरहमी से कत्ल किया था। 2019 से 2024 हो चुके, अभी तक कोर्ट में ये मामला चल रहा था। बहरहाल कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाते हुए नसीम अख्तर, जो 35 साल नसीम अख्तर है, उसका बड़ी बेदर्दी से बेरहमी से कत्ल करने वाले उसके ही शोहर को इमरान को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। जिसके बाद मरहूम उस खातून के वालिद ने आज कानून की अदालत के फैसले का इस्तकबाल करते हुए इंसाफ की जीत थी हुई उन्होंने ये बताया है। मीडिया से बातचीत करते हुए सारे इस केस के तफसीलात बताए हैं। आइए देखते हैं नाज़रीन हमारे नुमाइंदे शेख मोहम्मद इब्राहिम की ये ख़ास रिपोर्ट। नाज़रीन हम आपको एक चीज़ बता दें, जो जैसा करेगा वैसे ही बढ़ेगा, क्योंकि नाज़रीन हम आपको बताते जा रहे हैं कि दुनिया में आजकल मोहब्बत, खुलूस, इज्जत, शोहरत सब कुछ ख़त्म हो चुका है। सिर्फ पैसों पे ही हर चीज़ मामला रुका हुआ है, क्योंकि दिन पे दिन हम देखने में ये आ रहा है लोगों के उसके पास इंसानियत वाली चीज़ ख़त्म होते जा रही है। भाई भाई का कत्ल, बाप बेटे का कत्ल, बेटा बाप का कत्ल, या कहीं शोहर बीवी का कत्ल, तो कहीं बीवी शोहर का कत्ल, ऐसे करते हुए इंसानियत वाली चीज़ को ख़त्म करते जा रहे हैं। बहरहाल जो भी सच है, जब अल्लाह के दरबार में ये फैसला होगा तो सच का फैसला होगा। बहरहाल जो भी कुछ हो 2019 में भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में आया इस वारदात में इमरान को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। उसके बाद उस खातून के वालिद ने इसका इस्तकबाल करते हुए कोर्ट का और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। आइए देखते हैं टीवी 11 की एक खास रिपोर्ट। नाज़रीन जो लोग हमारे इस टीवी 11 चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फौरी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए, शेयर करना ना भूलिए। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। विजुअल 20 सेकंड पे क्या होता विजुअल? मेरा नाम मोहम्मद समरुद्दीन है और अमान नगर बी में रहता हूँ, तालाब कट्टा अमान नगर बी में शाहजहाँ फंक्शन हॉल के सामने रहता हूँ। 2019 में मेरी बच्ची का मर्डर केस हुआ। मर्डर केस होकर 4-5 साल हुआ, चाकू से मार के 36 जख्मी कर दिया, बेधड़क मारा, खैंची और जो सो स्कूटर से मारा और मार के जो सो ख़त्म कर दिया। मैं पुलिस पे कानून पे भरोसा रख के केस करा। केस करने के बाद से आज पाँच साल के बाद से जजमेंट हुआ। आज उसको जो सो फांसी की सजा आई। पुलिस पे भरोसा रखा, मैं कानून पे भरोसा रखा और मैडम मेरे को शिवानी मैडम और पीपी मैडम जो सो सपोर्ट करे, पुलिस वाले भी सपोर्ट करे, तकरीबन सब लोग सपोर्ट करने से आज मैं कामयाब हुआ। अल्लाह का शुक्र है जो सो मेरे को कामयाबी मिली। हाँ, तो बच्चियाँ वो मर्डर केस हुआ, मर्डर केस में जैसे 4 बेटियाँ हैं उनकी है और माँ तो मर गई, बाप जेल को चले गया, अब बच्चियाँ जैसे पढ़ रही, एक बच्ची जो 2 बच्चियाँ इंटरमीडिएट रहे, एक 20 डॉक्टरी करी है और दूसरी बच्ची जो सो सेकंड क्लास में, तीसरी बच्ची जो सो 10th क्लास में है और चौथी बच्ची जो सो 8th क्लास में है। मेरे को जो सो मैं गरीब आदमी हूँ, जो सपोर्ट होना है, ये बच्चे पढ़ने के लिए तैयार है और हालात माशी हालात बहुत कम है, कोई और हेल्प करे तो अच्छा रहता था। हाँ, मर्डर करने की वजह ये है कि बेटियाँ पैदा हुए बोल के, चार के चार बेटियाँ हुए बोल के, शादी हो गई 14-15 साल होगा।
क्या काम करता था? इंडिया गाड़ी ड्राइवर है, लारी वो ऑटो ड्राइवर है, ऑटो कार ड्राइवर थे। हाँ, कैब दिलाए हम लोग छोटा, उसका नाम इमरान अलग था, मेरा फुफेरा भाई था, उन्हें काम को नहीं जा रहा था, घर में बैठ रहा था, बाहर था, बाहर से मैं पैसे भेजाया, मैं अब्बा सब्जी ने मिलके छोटा हाथी दिलाया उसको, छोटा हाथी दिलाया वो भी नहीं चलाया, सारा दिन घर में बैठा, फिर चार बेटियां थे बोल के फिर दूसरी शादी कर लिया, चिचेरी बहन से कर लिया दूसरी शादी, उसको भी फिर भी मेरी बहन बर्दाश्त करी, वहाँ को भी जान दे बच्चियाँ हैं बोल के यहाँ तक बर्दाश्त करी बहन मारी, फिर भी हमारी बहन को मार दिया, मारने की वजह कुछ नहीं है भाई, बच्चियां हैं बोल के, चार बच्चियां हैं बोल के मार दिया। अब मैं कभी कब तक इन लोगों को मैं पालूं बोल के, हम लोग जब तक दे रहे थे हम लोग गाड़ी दिलाए सब दिलाए उसको, दिलाने के बाद भी हरकत करा, बाहर भेजे, बाहर भी 6 महीने रह के 6 महीने से आ गया बाहर, वहाँ भी सता के वहाँ भी काम नहीं कर रहे तो कफिल भेज दिया रिटर्न, कार ड्राइवर पे गया था वहाँ भी, फिर यहाँ आने के बाद भी इसको कार दिलाए तो वो तो भी चला लेता बोल के बच्चों को, बच्चों की बहन का पूरा सोना बेच दिया, पिज्जा हम लोग बनते थे भाया थोड़े वालदा वाली सब जने मिलके मदद करके अभी तक ढकल लेके जा रहे थे, अब देख देख के क्या है।